कहते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग दुनिया बदलने के लिए किया जा सकता है। लेकिन समाज में बहुत ऐसे तबके हैं जिन्हें शिक्षा पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और ऐसे शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा दिलाने का एक अनूठा उपक्रम नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने शुरू किया है। नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा समाज के निचले तबके के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का उपक्रम शुरू किया है, जिसके चलते शिक्षा से वंचित बच्चे जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा तो है मगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने से वे विद्या ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फ्री में पढ़ाया जाए। इस संस्था के बारे में अधिक जानकारी दी संस्था के अध्यक्ष प्रदीप नगरारे ने। तुमचा प्रश्न फार छान आणि अत्यंत स्पेसिफिक असा प्रश्न तुम्ही विचारलेला आहे। कॉलेज उघडण्याचं मुख्य कारण हे आहे की पूर्ण समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण घेऊ शकत नाही किंवा शिक्षणाला शिक्षण घेताना ज्यांना अडचण येते अशा विद्यार्थ्यांना, अशा सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या कॉलेजच्या माध्यमातून एक चांगले विद्यार्थी म्हणून शिक्षण घेता यावं, इंजिनियर होता यावं याकरिता पूर्णतः सामाजिक दृष्ट्या समाजाला अर्पित कुठलेही फायद्याची अपेक्षा न करता, कुठल्याही आर्थिक फायद्याची अपेक्षा न करता हे फक्त समाजाच्या सेवेसाठी उभारण्यात आलेलं या संस्थेचं कॉलेज आहे। यामध्ये मुख्य उद्देश असा आहे की विद्यार्थी विविध क्षेत्रातून विविध प्रदेशातून जसं की धारणी, गडचिरोली, यवतमाळ, नांदेड अशा ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून विद्यार्थी जे येतात त्यांच्या पालकांकडे पैसा बिलकुल नसतो, शिक्षण शिकवू शकत नाही आणि अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावं जसं याच्यामागचा उद्देश आमचा असा होता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबादमध्ये काढलं होतं आणि त्यावेळेस मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तिथे एक रुपया घेऊन फक्त फॉर्मचा एक रुपया घेऊन जायचा आणि तिथे त्यांचं पूर्ण ग्रॅज्युएशनपर्यंतचं शिक्षण होत होतं। तोच एक उद्देश आम्ही यावेळेस इथे ठेवलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांकडनं कुठलाही पैसा न घेता विद्यार्थ्यांचं पूर्ण शिक्षण हे शासकीय फीजवर, अनुदान आमच्या याच्यामध्ये नाही, शासकीय जी फीज येते त्या फीजवरच आपण विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिकवतो। यामध्ये आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची फॅसिलिटीज फ्री देतो, त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्टेशन कॉलेज हॉस्टेलपासून कॉलेजपर्यंत येण्याचं ज्यांचं जे ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते फ्री देतो, ड्रेस फ्री देतो, वर्षाला दोन कॉलेजचे ड्रेस असतात ते दोन ड्रेस फ्री देतो आणि याच्या व्यतिरिक्त पुस्तकं जे विद्यार्थ्यांना लागतात ते सर्व पुस्तकं फ्री देतो आम्ही आणि विद्यार्थ्यांकडनं कुठलाही पैसा घेत नाही, म्हणजे कुठल्याच कारणासाठी पैसा घेत नाही विद्यार्थ्यांकडनं। म्हणून या कॉलेजमध्ये जास्तीत जास्त गरीब विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावं आणि आमचा उद्देश फार स्वच्छ आणि साफ आहे। विद्यार्थ्यांनी आमच्या कॉलेजमध्ये स्टुडंट म्हणून, विद्यार्थी म्हणून यावं आणि इंजिनियर बनून बाहेर निघावं। कॉलेजचा आमचा जो रिझल्ट आहे फायनल इयरचा तो फार जास्त आहे, 80% 90% वरती रिझल्ट असतो। आनंदाची गोष्ट अशी आहे की आमच्याकडे प्लेसमेंट जे आहे हे जवळपास 90% विद्यार्थ्यांचं प्लेसमेंट झालेलं आहे। म्हणून आणि दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की आम्ही कुठल्याही प्रकारचा विद्यार्थ्यांकडनं इव्हन परीक्षा फीसुद्धा त्याकडनं आम्ही घेत नाही। हा उद्देश पूर्ण व्हावा
मुलं जास्त जास्तीत जास्त शिकावी. आमच्या कॉलेजमध्ये याशिवाय आम्ही स्किल डेव्हलपमेंटचे क्लासेस सुरू केलेले आहेत, त्याचबरोबर ॲडव्हान्स कॉम्प्युटरचे क्लासेस सुरू केलेले आहेत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे क्लासेस सुरू केलेले आहेत. आणि आमचा याच्या नंतरचा जो उद्देश आहे तो उद्देश असा आहे की मुलांना इथून डायरेक्ट विदेशातील युनिव्हर्सिटीमध्ये कसं ॲडमिशन घेता येईल याचं मार्गदर्शन आम्ही सुरू केलेलं आहे. येत्या वर्षी आम्ही एक फॉरेन लँग्वेज विद्यार्थ्यांसाठी शिकवण्याचं तिथे सुरू करणार आहोत प्रयत्न, म्हणजे सुरू करणार आहोत आमचे त्यांचे प्रयत्न झालेले आहेत. कॉलेज हे आमचं नॅक ॲक्रेडिएटेड आहे. नागपूर युनिव्हर्सिटी, नागपूर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटीशी संलग्न आहे, AICTC ॲफिलिएटेड आहे, त्यामुळे काय सर्व नियमांना धरून कॉलेज हे सुरू केलेलं आहे. अत्यंत चांगली इमारत या कॉलेजमध्ये बांधलेली आहे. कम्प्युटर लॅबोरेटरीचे सर्वच्या सर्व लॅबोरेटरी सुसज्ज आहेत. त्यामुळे आणि आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थी, आमच्याकडे जे विद्यार्थी येणारे विद्यार्थी आहेत ते विद्यार्थी ग्रामीण भागातून जास्त असतात आणि ते विद्यार्थी थोडे कमजोर जरी असले तरी त्यांच्याकडे पर्सनलाइज लक्ष देऊन, व्यक्तिशः लक्ष देऊन त्यांची सुधारणा करणं, त्यांच्या अभ्यासामध्ये प्रगती त्यांची कशी करता येईल त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेणं, एक्स्ट्रा क्लासेस घेऊन त्यांना शिकवणं आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी एक एक मॉनिटर जो लेक्चरर आहे तो मॉनिटर म्हणून ठेवलेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थी त्या मराठी मीडियममधून आलेले किंवा ग्रामीण क्षेत्रातून आलेले त्यांना जे झेपत नाही त्यांना त्यांची पूर्ण तयारी करून देणं हा त्या आमच्या इथे सातत्याने चाललेला उपक्रम आहे. म्हणून फायनल इयरमध्ये आमचा रिझल्ट जवळपास 100%च्या जवळपास असतो. म्हणून या माध्यमाने मी सर्व जनतेला किंवा सर्व होतकरू आणि एलिजिबल विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो की या संधीचा, या निष्पक्ष आणि निस्वार्थ संधीचा फायदा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी, गरीब विद्यार्थ्यांनी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी, होतकरू विद्यार्थ्यांनी घ्यावा आणि आपल्या आयुष्यात प्रगती करावी, राष्ट्रीय स्तरावर प्रगती करावी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रगती करावी, हे माझं आव्हान आहे आणि या आव्हानाला आपण प्रतिसाद द्यावा अशी विनंती आहे. मैत्री शिक्षण संस्था के तहत नागार्जुन इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा यह उपक्रम निभाया जा रहा है. कॉलेज में एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है. साथ ही कॉलेज में मेडिटेशन सेंटर के साथ स्पोर्ट्स इंडोर सेंटर तथा आउटडोर सुविधा भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है. इसकी अधिक जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय केलो ने दी. मैत्रेय शैक्षणिक संस्थे अंतर्गत नागार्जुना इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची स्थापना 2009 झाली. आमच्या आदरणीय मॅनेजमेंटचा मुळातच हे इंजिनिअरिंग कॉलेज काढण्यामागे अगदी समाजाभिमुख असा उद्देश होता. समाजातील मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी तसेच दुर्गम भागातील, विशेषतः मेळघाट, गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना जे की समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर आहेत, ज्यांच्या घरापर्यंत अगदी वीज आणि रस्तेसुद्धा पोहोचलेले नाहीत आणि जे विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक
आणि इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेतेवेळी ज्यांची मार्जिनल इलिजिबिलिटी आहे, जे विद्यार्थी ॲव्हरेज आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना संपूर्ण 4 वर्षातील कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अँड आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या 4 वर्षाचं कोर्स पूर्णपणे मोफत देण्याचा आमच्या आदरणीय मॅनेजमेंटचा संकल्प होता आणि आहे, आणि तो संकल्प आम्ही गेल्या 10 वर्षापासून पूर्ण करत आहोत, यापुढेही पूर्ण करत राहील. असे हे विद्यार्थ्यांना, अशा या विद्यार्थ्यांना टेक्निकली साऊंड करून 4 वर्षाचे त्यांना नुसतं डिग्री देऊनच नाही तर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ऑनलाईन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, स्किल ओरिएंटेड वर्कशॉप, इंडस्ट्री व्हिजिट, फील्ड स्टडी रिपोर्ट, असं सर्वांगीण ज्ञान देऊन असे विद्यार्थी आज सरकारी, निमसरकारी तसेच मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, ठाणे, मुंबई या ठिकाणी नोकरी करीत आहे. आमच्या महाविद्यालयामध्ये ॲकॅडेमिक एक्सलन्स आणि लर्निंग टीचिंगमध्ये डेडिकेटेड आणि एक्सपिरियन्स फॅकल्टी हा प्रत्येक कोर्समध्ये आहे, तसेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण बहुमुखी विकास व्हावा, ज्याला आपण पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणतो, अशा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट या संवर्गाखाली आम्ही मेडिटेशन सेंटर हे सुद्धा चालवतो. तसेच भव्य स्पोर्ट ग्राउंडमध्ये इनडोअर स्पोर्ट तसेच आउटडोअर स्पोर्ट यामध्ये युनिव्हर्सिटी लेव्हलला आणि इंटर डिपार्टमेंटल लेव्हलला दरवर्षी त्यांचे स्पर्धात्मक खेळ होतात. ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंटच्या बाबतीत झालं तर आमच्या इथे अतिशय डायनॅमिक ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर मिस्टर वाट हे आहेत. त्यांनी इव्हन पॅन्डेमिक काळामध्ये मागील 17 जवळपास 45 विद्यार्थ्यांची निवड ही पुण्याच्या, औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची, आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची निवड झालेली आहे आणि ते तेथे काम करीत आहेत. आमच्या महाविद्यालयाचा फायनल इयरच्या बाबतीतचा रिझल्ट हा संपूर्ण कोर्समध्ये 100% असतो. तसेच ॲप्टिट्यूड टेस्ट, पोस्टर कॉम्पिटिशन, कॉन्फरन्सेस आणि टेक्निकल फेस्टिवलमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांचा सक्रिय भाग असतो आणि बाहेरच्या महाविद्यालयामध्ये जाऊन दरवर्षी आमचे विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय पारितोषिकाचे मानकरी ठरलेले आहेत. विद्यापीठाच्या नियमानुसार वा मानकानुसार कॉलेजचे वार्षिक विशेषांकसुद्धा प्रसिद्ध केले जातात. तर अशा या महाविद्यालयामध्ये समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त शिक्षण घ्यावं आणि या फॅसिलिटीजचा फायदा घ्यावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो. 2009 से शुरू हुए इस कॉलेज में विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की हॉस्टल फीस और बुक फीस नहीं ली जाती. साथ ही छात्रों का यहाँ 100% रिजल्ट भी रिकॉर्ड किया गया है. यहाँ से पढ़ने के उपरांत यहाँ के छात्र अलग अलग जगहों पर अब काम कर रहे हैं और उनका समाज में एक अच्छा नाम है. इस विषय पर संस्था के वाइस प्रिंसिपल एम के रहांगडाले ने अधिक जानकारी दी. सर, 2009 में इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई. इसका ट्रस्टी का जो बैकग्राउंड है सब IITians है, जिन्हें इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी का गहन ज्ञान है.
उन्होंने ये विजन और मिशन के सामने रखा कि दो जो लोग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटीज फ्रॉम द मेन स्ट्रीम्स, ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको इंजीनियरिंग का एजुकेशन लेना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, संभव नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिला जाए, एक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एजुकेशन दिया जाए, ऐसे बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया 2009 में। और उसी विजन और मिशन के माध्यम से हमने यहाँ एजुकेशन देना चालू किया उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर ट्राइबल एरियाज, रूरल एरियाज, और जिन्हें आसानी से इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलती। फाइनेंशियली कुछ वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, वो होशियार तो होते लेकिन कुछ फाइनेंशियल पोजीशन के कारण से वो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से डरते, ऐसे बच्चों को हमने ये एडमिशन दिला करके एक हमने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि वो बच्चा सक्सेसफुल होकर इंजीनियर होकर निकलता है। और वो हमने सिर्फ रखा नहीं, उसको एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट टाइम 2012 में हमने बच्चों को फ्री अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, जब किसी ने भी नहीं किया था। एक्चुअली ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हमने हमारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से 2012 में फर्स्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन एजुकेशन फ्री दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कैटेगरी के बच्चों को दिया जा रहा है, ऑल फ्रॉम द सोसाइटीज़ फ्रॉम द कैटेगरीज लाइक ओबीसी, ईबीसी, इवन ओपन कैटेगरी का बच्चा है वो फाइनेंशियली वीकर है, उसको भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड किया। दूसरी बात हो गई एडमिशन की, तो आज के डेट में आप देखो कि 2009 के बाद में एक मशरूम, वाइल्ड मशरूम के समान इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ी हुई। इस सिनारियों में सस्टेनेबल जो ग्रोथ होती है वो हमने करके दिखाई है, क्योंकि ऐसे सिनारियों में जहाँ पर अक्रॉस द कंट्री इंजीनियरिंग में एडमिशन का जो सेटबैक बैठा था काफ़ी ज़बरदस्त था, ऐसे सिनारियों में सस्टेनेबल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, हमें सस्टेन करना ज़रूरी था। लेकिन हमारे क्वालिटी एजुकेशन के कारण से, हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड के कारण से ये हमने सफल करके दिखाया। आज हमारे इस इंस्टीट्यूशन को सक्सेसफुली 11 साल हो चुके हैं, और इस 11 साल के स्टोरी में 2009 टू टिल डेट हर साल हमारे 75% से भी ज़्यादा स्टूडेंट प्लेस होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। मैं आपको स्पेशल गवर्नमेंट सेक्टर के नाम बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, ईएमएसईबी, प्रोबेशनरी ऑफिसर करके बहुत सारे बैंकों में है, पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई में है, उसके बाद एनएचएआई में है, एयरफोर्स में कुछ बच्चे मिलिट्री में भी गए हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया है, एमपीएससी क्वालिफाई किया है, आईएएस क्वालिफाई किया है, और कुछ बहुत सारे बच्चे हमारे जो अब्रोड में है, अब्रोड कंट्रीज में भी है। तो यह है एक सक्सेसफुल जो बाहर निकल रहे बच्चे, स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग जो गोल लेके आते हैं वो उनका सक्सेस होगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ से वो निकलते हैं और वो अपना गोल अचीव करने के बाद में जो उनके सक्सेसफुल स्टोरी सुन के हमें एक हर्ष होता है। दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो होशियार तो है, और होशियार होने के बाद में उसे कैसा लगता है, इंजीनियरिंग से डरता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, फर्स्ट ईयर में जनरली वो बच्चा ये सब्जेक्ट देख के डरता है। हमने क्या किया कि उन बच्चों को एक फैमिलियर एजुकेशन प्रोवाइड किया, जो उनके अंदर डर था फर्स्ट ईयर में वो हमने निकाला। हमारा हर बच्चा फर्स्ट ईयर का सक्सेसफुली निकलता है, ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर में ऑल टू ऑल पास हो, हमारे यहाँ पास होते हैं, एक हमारा सक्सेसफुल ये रेशो है आज के डेट में। फाइनल ईयर का आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे, हमारे यहाँ जब एडमिशन लेता है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में उसका परसेंटेज 50-55 होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनका परसेंट मोर देन 80% होता है या क्रीम सेक्शन के स्टूडेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट में या किसी अच्छे ब्रांड में एनआईटीज आईआईटीज में जाएंगे, वो नागार्जुना को प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसे 50-55% लेकर के आने वाला बच्चा जब यहाँ से 8.1 CGPA लेकर जब पास आउट होकर निकलता है, तब वो हमारा एक अचीवमेंट है, वो हमारी क्रिएटिविटी है, हमने उस बच्चे को बनाया है। देखो क्रीम को तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को क्वालिफाई करके निकालना, ये हमारी स्टोरी, ये हमारा सक्सेस है, और हमने करके दिखाया है, ये रिकॉर्ड है हमारे पास में। और जब वो स्टूडेंट किसी बाहर के स्टूडेंट के साथ में जब वो इंटरव्यू में फेस करता है, तब एक नागार्जुना का स्टूडेंट वहाँ जाता है तो पहला प्रिफरेंस उसको दिया जाता है, क्योंकि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड एज वेल एज उसका इंडस्ट्रियल नॉलेज, उसका यहाँ हम लोग ट्रेनिंग, इनप्लान ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, सारी चीज़ें अवेलेबल करा के देते उनको। एडवांस नॉलेज के लिए हमारे पास में कुछ, हमारे लेवल पे कुछ कोर्सेज चलाते, फॉर एग्जांपल
कंप्यूटर के हो गए तो कुछ छोटे छोटे स्किल बेस्ड प्रोग्राम चलाते हैं हमारे माध्यम से। फॉर मैकेनिकल का स्टूडेंट होगा तो आई कैट के कुछ कैट प्रोग्राम्स, कैट कैस के सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ कॉलेज के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। जिन कोर्सेस को कंप्लीट करने के लिए बच्चों को 2-2 लाख बाहर देना पड़ता है, वो सारे कोर्सेस हम यहाँ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बाहर की फैकल्टी आती है। अभी हमारा न्यू प्लान है कि बच्चों को जापानीज क्लासेस यहाँ प्रोवाइड की जाए, जिसे लोग 2-2.5 लाख रुपए पैकेज दे करके पढ़ाते हैं, वो यहीं के कॉलेजेस में हमारे बच्चों को फ्री में देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बच्चों को यहाँ पर हम लोग ऐसी बुक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देने वाले हैं और ऐसी ट्रेनिंग देने वाले हैं कि अगर वो बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहता है किसी भी, तो यहीं से उसको बेसिक नॉलेज मिले। हम लोग यहाँ पर ऐसा स्टडी सर्कल खड़ा करने जा रहे हैं हमारे 3rd फ्लोर पे कि पास आउट होने के बाद में यहीं वो बच्चा MPSC की प्रिपरेशन करे, UPSC की प्रिपरेशन करे और गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। और यही उद्देश्य है कि देखो हर बच्चा हमारे यहाँ का है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, क्योंकि एक बच्चा जाने के बाद में किसी सेकंड बच्चे को भी वही बात वही लगता है कि हम भी उसके पीछे जाए। तो ये अच्छा है कि आज के डेट में हमारे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने क्राइटेरिया और कुछ नॉर्म्स दिए हैं, उस नॉर्म्स के अनुसार सारे के सारे नॉर्म्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल। मैं पहले बताना चाहूँगा फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जो टीचिंग फैकल्टी होती है, टीचिंग फैकल्टी एज पर द AICT नॉर्म्स है, ऑल क्वालिफाइड मीन्स MTech PhD परसुइंग क्वालिफाइड फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टीज है। हमारी जो लेबोरेटरीज है फुल्ली अपडेटेड है, हमारा जो इंटरनेट है 40 MBPS से ज़्यादा, जबकि हमारे यहाँ 240 का इंटेक है। इसके बाद में भी हमारा खुद का ब्रॉडबैंड और वाईफाई टावर और बड़ा टावर लगा, आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा टावर लगा हुआ है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे यहाँ काफ़ी रहे, क्योंकि थोड़ा सा बाहर होने के कारण से कनेक्टिविटी के कारण से बच्चा कहीं वंचित ना रहे। टेक्नोलॉजी के साथ में अवगत किया जाता है बच्चों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हम चलाते हैं, इवन मशीन लर्निंग समान कोर्सेज हम इस इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा एडवांस स्टडी का एक मटेरियल है जो प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे कोर्सेज के लिए बच्चों को 1 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वो हमारा बच्चा यहाँ खुद कर लेता है। और उसके साथ में जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है वो जूनियर बच्चों को बताता है, जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो हमारे ही बच्चों को समझाते। यहाँ का कोई बच्चा ट्यूशन नहीं लगाता, किसी भी बच्चे को ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे आप देखेंगे कि हमारा कॉलेज यहाँ है और हॉस्टल भी यहीं है, अगर हॉस्टल यहाँ है तो बच्चा ट्यूशन कैसे लगा सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे एक दूसरे को समझाते बताते हैं। एक बहुत ही एक अच्छा कल्चर है, एक फैमिली कल्चर है, और यही बच्चे हमारे एक नर्चर्ड हो रहे हैं और इसका एक सक्सेसफुल होने का पीछे एक कारण है। सिटी में कॉलेज होने से बच्चा क्या होता है कि जनरली बंक मारता है, एक लेक्चर करने के बाद में भाग जाता है। यहाँ आने के बाद में एक हेल्दी एटमॉस्फियर है, यहाँ आज कोई बैरियर्स नहीं है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है, हेल्दी और ग्रीन इन्वायरमेंट है। यहाँ आने के बाद में बच्चों को पढ़ने की इच्छा होती है, वो भाग नहीं सकता, बंक नहीं मार सकता, सिक्स और उसके बाद में प्रैक्टिकल्स पूरा टर्न कंप्लीट करके यहाँ से बच्चा निकलता है। तो ऑब्वियसली अगर उसको पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो रिजल्ट अपना अच्छा आना है, तो ये हमारा सक्सेसफुल होने का एक और कारण है। पहले तो उसका भी ट्यूशन के पीछे जो फाइनेंशियल उसको क्रंच होता है उससे वो बचता है। आज के डेट में आप देखोगे तो इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद में पहला ही बच्चा 3-4 ट्यूशन लगा लेता है, वो यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता। हम किसी भी स्टूडेंट को ट्यूशन अलाउ नहीं करते, सारा क्लासेस में उनका कोर्स कंप्लीट किया जाता है, इसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान होता है। टीचर हर टीचर के पीछे एज पर द नॉर्म्स 1:15 का रेशो है, हमारे यहाँ एक टीचर के पीछे 10 बच्चे हैं। हमारे यहाँ मेंटर मेंटी स्कीम ली जाती है, स्टूडेंट को हर महीने उनका यूनिट टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद में स्लो लर्नर एडवांस लर्नर दोनों का एक परीक्षण किया जाता है। एडवांस लर्नर के लिए अलग मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, स्लो लर्नर के लिए अलग मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, दोनों को हम लोग मैच कराते हैं। ये हमारी और एक सक्सेस स्टोरी है। हम बताना चाहते हैं उन पेरेंट्स को, अगर जिनके बच्चों को टेक्नोलॉजी के प्रति थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट हो, वो चाहते हैं, हो सकता है कि वो फाइनेंशियली वीकर हो, उन्हें ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग में काफ़ी खर्चा होता है, 1 लाख रुपये, जाहिर है आज इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अगर गए तो 2-4 लाख रुपये तो जनरली कोई भी बता देता है। मैं उन्हें एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये बनाया गया है आप लोगों के लिए, यहाँ आपको कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं होगा, 1 रुपया आपको खर्चा आएगा, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे,
आपको ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन, अगर आप बाहर के बच्चे हैं तो आपको हॉस्टल मिलेगा चारों साल तक फ्री, आपको कोई चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, आपको एजुकेशन बुक, आपको यूनिफॉर्म्स, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी इच्छा है आप खाली फिजिकली प्रेजेंट रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे, हम गारंटी आपको देते हैं, आप हमारे साथ चार साल बिताइए, सक्सेसफुल होने के बाद आपको प्लेसमेंट की गारंटी हम आपको लिख के देते हैं। शायद ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज वाला ये करके दिखाए, हम करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमने वो करके दिखाया है, हमारे पास वो पोटेंशियल है, हम बच्चों को बना सकते हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस है। इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि अगर आपके बच्चों को अगर थोड़ा इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं इंजीनियरिंग के प्रति, तो डरिए मत, ये बहुत ही सबसे इजी कोर्स है ऐसा मैं समझता हूँ, अगर आपको समझता है तो, अगर आप इंटरेस्टेड है तो, अगर आप इच्छुक है तो, अगर आप अपना फ्यूचर गाइड करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ, हम आपको एक परफेक्ट सक्सेसफुल इंसान बना के यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से यह कॉलेज छात्रों की सफलता का वादा करता है, वह भी निशुल्क। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBC News।